आवक बढ़ने से लुढ़का सोयाबीन। इंडोनेशिया में पाम तेल उत्पादन कंपनियों और प्लांटों ने उत्पादन घटा दिया है। चीन में बनी स्थितियों के कारण इंडोनेशिया का पाम तेल उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता नजर आ रहा है। दरअसल पाम तेल उत्पादन के लिए रिफाइनरी को फास्फोरिक एसिड की जरूरत होती है। फास्फोरिक अमल के जरिए कच्चे पाम तेल को रिफाइंड ब्लीच और गंध रहित किया जाता है। चीन में ऊर्जा संकट के चलते कई एसिड प्लांट बंद हो गए हैं। ऐसे में इंडोनेशिया को फास्फोरिक एसिड की सप्लाई भी रुक गई है। सितंबर के आखिरी दिन सीबोट सोया ऑयल बढ़त के साथ, जबकि सीबोट सोयाबीन गिरावट के साथ कारोबार करते दिखाई दिए थे। राजस्थान की मंडियों में भी सोयाबीन के भाव में 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। नया सोयाबीन जिसमें नमी की मात्रा कम से कम 15% है, वो कोटा मंडी में 5600 रुपए पर बिकता दिखाई दिया है। नए सोयाबीन के भाव राजस्थान में 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच देखने को मिल रहे हैं, जबकि ऊंचे में पुराना सोयाबीन भी नरम पड़कर 7000 रुपए में बिका है, जबकि पुराने सोयाबीन के दाम सामान्य माल में 6500 से 6500 तक बोले जा रहे हैं। प्लांटों की ओर से भी सोयाबीन खरीद के भाव घटा दिए गए हैं। इंदौर मंडी की अगर बात करें तो वहां पर सोयाबीन की आवक बढ़ती दिखाई दी है। पिछले सप्ताह यानी शुक्रवार को सोयाबीन की आवक 12000 बोरी देखने को मिली। यदि बारिश का दौर रुका रहा और धूप खिल रही तो दो दिन में मंडी में सोयाबीन की आवक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। माना जा रहा है कि सोयाबीन की आवकें 20000 बोरी प्रतिदिन तक पहुंच सकती हैं। बीते दिनों की बारिश के बावजूद मालवा निमाड़ में सोयाबीन की फसल अच्छी बताई जा रही है। मंडी में शुक्रवार को सोयाबीन का अधिक नमी वाला माल 2600 से 4000 रुपए बिका, जबकि मीडियम नमी वाले माल का भाव 4100 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोयाबीन की कीमतें वायदा में भी लुढ़कती हुई दिखाई दी हैं। सोयाबीन वायदा में अक्टूबर वायदा जबरदस्त गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, जबकि नवंबर वायदा 3% तक लुढ़क चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर सोयाबीन की कीमतों में गिरावट बढ़ सकती है और भाव नीचे में 5000 तक लुढ़क सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।